कोलारस पुलिस ने मादक पदार्थ डोडा चूरा के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्यवाही की है। कोलारस थाना प्रभारी जितेंद्र मावई द्वारा मुखबिर की सूचना से हाईवे से एक ट्रक जब्त किया है, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा छिपा कर ले जाया जा रहा था। पकड़े गए डोडा चूरे की कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक कोलारस पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गुना तरफ से एक ट्रक ग्वालियर जा रहा है, जिसमें अवैध डोडा चूरा भरा हुआ है। सूचना मिलने के बाद कोलारस SDOP के मार्गदर्शन में कोलारस थाना प्रभारी जितेंद्र मावई ने पुलिस बल के साथ मुखबिर के बताए अनुसार ट्रक को एबी रोड पर यात्री प्रतीक्षालय के सामने फोरलेन पर रात 2 बजे रोका। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो पशु आहार के कट्टों के पीछे छिपा कर रखे मादक पदार्थ डोडा चूरा 154 किलोग्राम भरा हुआ मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। कोलारस से इमरान अली की रिपोर्ट। ये कल रात्रि को अपने को अपने विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक है जो कि पंजाब नंबर का है, उसमें जो ड्राइवर है वो कुछ अवैध मादक पदार्थ लेके जा रहा है। तो उसी सूचना पर से चेकिंग लगाकर ट्रक को रोका गया और उसको चेक किया गया तो उसमें से अपने को 154 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। सर जी, ट्रक में क्या भरा था? और इसमें पशु आहार है जो कि इंदौर से लेके आया था। सर जी, कहाँ से लेके आ रहा था, कहाँ जा रहा था ट्रक वाला? ये अभी अपने को इसने बताया है कि ये नीमच से लेके आ रहा था और ये पटियाला लेके जा रहा था। सर, कितने लोग गिरफ्तार किए गए? इसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुई है। जो माल जब्त किया गया उसकी क्या कीमत है? इसकी 15 लाख रुपये का माल की कीमत जी। और ट्रक की कीमत? ट्रक मिला ट्रक की कीमत और जो उसमें माल भरा हुआ है उसकी कुल कीमत 60 लाख। अच्छा सर, ये क्या पशु आहार की आड़ में तस्करी करते थे सर ये? जी बिल्कुल, ये पशु आहार की आड़ में ही और ये कहते मादक पदार्थ को लेके जा रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।